जब पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस अबूधाबी में मिलेंगे तो हारने वाली टीम के लिए प्लेऑफ तक का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। इन दो टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं। आइए देखते हैं आंकड़ों के हवाले से यह मैच किस रुख पलट सकता है और क्यों। आईपीएल 2021 के बाद से पंजाब की पूरी बल्लेबाजी लगभग कप्तान केएल राहुल के ऊपर ही निर्भर रहती है। राहुल इस दौरान जब 25 का आंकड़ा नहीं पार करते तो पंजाब ने 8 में से 6 मैचों में पराजय का सामना किया है। वहीं जब राहुल 75 का स्कोर पार कर जाते हैं तो पिछले 2 सीजन में पंजाब का विनिंग रिकॉर्ड 100% है। मुंबई वैसे भी उनकी मनपसंदीदा टीम है। राहुल के उनके खिलाफ 71.1 की औसत और 130 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए 640 रन किसी भी और टीम के मुकाबले सर्वाधिक हैं। साथ ही मुंबई के खिलाफ उनके पिछली 6 पारियों पर जरा नजर फेरिए, 94, 71 नाबाद, 100 नाबाद, 17, 16 और 77 नाबाद। पिछले सीजन जब मुंबई इंडियंस ने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया तो उसके पीछे 2 बड़े कारण रहे थे, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। दोनों की काबिलियत के चलते मुंबई बीच के ओवर में शुरुआती गतिशीलता को गिरने नहीं देता था और इससे विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव कम नहीं होता था। लेकिन आईपीएल 2021 में कहानी कुछ और रही है। मुंबई से खेलते हुए जीवन में पहली बार सूर्य 30 से कम की औसत से चल रहे हैं। सत्र के पहले 5 मैचों में 154 रनों के बाद अगले 5 में उन्होंने सिर्फ 35 रन बनाए हैं। वहीं ईशान ने इस सीजन 8 पारियों में केवल 107 रन बनाए हैं और 30 तक एक बार भी नहीं पहुंच पाए। 87 का उनका स्ट्राइक रेट इस सीजन किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे खराब है। 2020 के आईपीएल में 41.1 की औसत और 137 के स्ट्राइक रेट से 3.85 ठोकने वाले क्रिस गेल इस साल थोड़े से विलीन नजर आए हैं। इस वर्ष आईपीएल में उन्होंने 9 पारियों में 24 की औसत से केवल 192 रन बनाए हैं। वैसे शायद यह उम्र का तकाजा भी है। 2021 में T20 क्रिकेट में उनके जीवन में सबसे कम औसत और सबसे कम 50 से अधिक के स्कोर बने हैं। इसकी एक वजह रही है कि स्पिन ने उन्हें परेशान किया है। 27 पारियों में 13 बार वो स्पिन ही का शिकार हुए हैं। जसप्रीत बुमराह को पंजाब के खिलाफ खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। उनके विरुद्ध उन्होंने 13 पारियों में 17 विकेट लिए हैं और इस टीम के खिलाफ 18.1 का उनकी औसत और 6.1 की इकोनॉमी दोनों ही किसी और टीम के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही 2020 के बाद से बुमराह ने मयंक अग्रवाल को 2 मैचों में बिना खाता खोले आउट किया है और राहुल और निकोलस पूरन के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। पंजाब की बल्लेबाजी की पूरी फायर पावर टॉप ऑर्डर में ही दिखती है। जिस दिन कप्तान केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल जैसे सितारे चले, पंजाब मैच में बनी रहती है। जिस मैच में ये फेल हो जाएं, उसमें टीम की हालात पतली हो जाती है। राजस्थान के खिलाफ पंजाब के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज आसान लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर पाए थे। आखिरी ओवर में टीम 4 रन बनाने से भी चूक गए। मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच हार चुकी है। अगर टीम को पंजाब के खिलाफ भी शिकस्त मिलती है तो 2015 के बाद यह पहला मौका होगा जब वह लगातार 4 मैच हारेगी।